नमस्कार दोस्तों, हम बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। और इस वक्त एक बेहद बड़ी खबर कोरोना और किसान आंदोलन के लेकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बीती शाम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना की बढ़ती लहर पर रोकथाम के लिए चर्चा की थी, बातचीत की थी और उसमें कई तरह के सुझाव भी दिए थे। और उसी के बाद अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया है। अनिल विज ने सीधे तौर पर अपने बयान में किसानों के प्रति चिंता जाहिर की है। विज ने सीधे तौर पर कहा कि कोरोना की बढ़ती लहर तो जहाँ चिंता का विषय है, उसके साथ साथ सबसे बड़ी चिंता किसान आंदोलन में बैठे किसानों को भी कोरोना से बचाने की है। तो सीधे मायने में अनिल विज को अब किसानों की चिंता सताने लगी है। अनिल विज ने सीधे शब्दों में कहा है कि धरने में जितने भी किसान बैठे हैं उन्हें भी कोरोना से बचाना उनकी प्राथमिकता है। और ऐसे में अनिल विज ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि वो खुद केंद्रीय कृषि मंत्री को पत्र लिखने वाले हैं जिसमें वो दोबारा से बातचीत का दौर शुरू करने का आग्रह करेंगे। विज ने कहा है कि बड़े से बड़े मामले बातचीत से हल हो जाते हैं, ऐसे में अब इस मामले का भी हल होना चाहिए क्योंकि हरियाणा में बेहद बड़े स्तर पर आंदोलन जारी है और उसी के साथ साथ कोरोना की दूसरी लहर भी तेजी से बढ़ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों की चिंता अनिल विज को अब सताने लगी है और इसी को लेकर बेहद जल्द अनिल विज केंद्रीय कृषि मंत्री को भी पत्र लिखते हुए नजर आएंगे। उन्होंने कहा है कि वो खुद केंद्रीय कृषि मंत्री को पत्र लिखकर दोबारा बातचीत शुरू होने का आग्रह करेंगे। आपको याद होगा कि 26 जनवरी को जिस तरह से किसानों ने ट्रैक्टर परेड दिल्ली में की थी, उसके बाद से लेकर अब तक किसान और सरकार की कोई भी बातचीत नहीं हुई। तो ऐसे में अब चिंताएं कहीं ना कहीं बढ़ने लगी हैं क्योंकि महामारी बेहद ज़्यादा तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ अनिल विज ने आज कहा है ये आपको सुनवाते हैं। नहीं, बिल्कुल, हम जो प्रधानमंत्री जी ने कल दिशा निर्देश दिए हैं हम उन पर काम करेंगे। और जो जो उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए 11 तारीख से लेकर 14 तारीख तक गहन वैक्सीनेशन अभियान चलाने की बात की है वो भी हम करेंगे। और जो उन्होंने कोरोना को रोकने के लिए कहा है वो सब हम करेंगे, हमने हिदायत दे रखी है। लेकिन मेरी चिंता वो नहीं है, मेरी चिंता वो है कि जो हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर आज किसानों का इतना बड़ा जमावड़ा लगा हुआ है, कोरोना बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, मुझे उनको भी कोरोना से बचाना है। और मैं केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री से मैं पत्र भी लिखने वाला हूँ कि बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू किया जा सके ताकि इस जमावड़े को यहाँ से हटाया जा सके और इनकी समस्या का समाधान किया जा सके, क्योंकि सभी समस्याओं का समाधान बातचीत से ही निकाला जा सकता है। नहीं, हम बिल्कुल जो प्रधानमंत्री जी ने जो जो आदेश दिए हैं हम उन पर विचार करेंगे और कार्रवाई करेंगे।